हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। कल हमने फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ा था, समांतर रेखाओं का परिवार। आज लंबवत रेखाओं का परिवार होगा। फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस जरा ध्यान से देखेंगे, काफी आसान है, बहुत ही इजी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पार्ट वन से आपने अगर स्ट्रेट लाइन को नहीं देखा है तो प्लीज आप स्ट्रेट लाइन के पार्ट वन से देखिए। सीरियली देखेंगे तो फिर हमारी ये पढ़ाई आपको पसंद आएगी, आपको फायदा भी होगा। लेकिन अगर आप बीच में आकर के डायरेक्ट पार्ट 14 हमारा देखेंगे, ये 14th लेक्चर है, 14th लेक्चर आप डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तो आप हमारे लेक्चर को सीरियली देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए सर, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कोई एक लाइन है सर, कोई एक लाइन है आपका, कोई एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन के परपेंडिकुलर जितना लाइन होगा उस सब का फैमिली हमको बताना है। आइए सर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये देखिए, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर ये देखिए सर, ये हो गया सर, ये देखिए सर, फिर ये देखिए, ये सब ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ये सब लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर। सारा लाइन इस लाइन के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। ये परपेंडिकुलर लाइंस है सर, ये कौन सी लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है। इस परपेंडिकुलर लाइंस का फैमिली बताना। एक बात बताओ, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, सॉरी बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। तो तुमको पता है सर एम क्या होता है, स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एक चीज बताओ मेरे भाई, बी बाय ए हमने कैसे लिख दिया, ये माइनस ए बाय बी था सर, एम वन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हमने बी बाय ए क्यों लिख दिया सर, ये जब माइनस ए बाय बी है तो ये बी बाय ए क्यों सर, क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस वन के बराबर होता है। यानी सर M1 गुना M2 ये बराबर क्या होता है, माइनस वन। जब हमको M1 पता है माइनस ए बाय बी, तो जरा बोलो माइनस वन इसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। इम्प्लाइज M2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई बी, नीचे सर A हो जाएगा, बी बाय आया बी बाय ए। तो इस लाइन का स्लोप, इस सब लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, बी बाय ए हो जाएगा। इस लाइन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस होगी उस सारे लाइंस का स्लोप कितना हो जाएगा, बी बाय ए। अब बताओ, हमने पढ़ा हुआ है सर कि स्लोप जो होता है ना वो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बटे कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई होता है। जरा बोलो सर, अब अगर हम इसको लिखें इस तरह से तो माइनस एक्स का कोफिशियंट अब कितना हो गया, माइनस बी हो गया सर, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। फिर कोफिशियंट ऑफ वाई कितना सर, ए। इसका मतलब सर पहले एक्स का कोफिशियंट ए था, अब एक्स का कोफिशियंट कितना है, माइनस बी है, और वाई का कोफिशियंट पहले बी था, अब वाई का कोफिशियंट कितना लिखना पड़ेगा, ए। इसका मतलब सर एक्स का कोफिशियंट माइनस बी, माइनस बी एक्स प्लस y का कोफिशियंट a, तो ये हो गया a, अब प्लस लेमडा लिख दीजिए सर, लेमडा लेमडा ये बराबर कितना सर, जीरो ना। अब एक काम करो सर, लेमडा क्यों सर, क्योंकि अलग अलग लाइन अलग अलग इंटरसेप्ट काटेगी सर, इसीलिए लेमडा इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। अब इससे माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे सर, तो ये आपका बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया सर, बी एक्स में ये लेमडा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने प्लस लेमडा लिख दिया,
प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ये आपके लाइन का क्या हो गया सर, फैमिली हो गया। किस लाइन का? परपेंडिकुलर लाइन का। अगर कोई लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा? इस लाइन के परपेंडिकुलर सभी लाइन का फैमिली हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर सर परपेंडिकुलर लाइंस के फैमिली के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। आइए सर, तो बात समझ में आ रही है। आइए बच्चे, जैसे एक इक्वेशन दे दिया आपको, थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, कह दिया इसके परपेंडिकुलर लाइन का फैमिली क्या होगा, तो क्या हो जाएगा जरा बोलो। तो हम देखो क्या किए, अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो सर ए को यहाँ बी को यहाँ, इस बीच वाले का साइन आपने सिर्फ चेंज कर दिया है माइनस। तो चलो टू को इधर ले आओ टू एक्स, थ्री को उधर ले जाओ माइनस थ्री वाई, प्लस वन इज इक्वल टू प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, इसके फैमिली का इक्वेशन हो गया। चलिए दे दिया फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, सर इसके परपेंडिकुलर लाइन का फैमिली कहेगा लिखने के लिए, बस ये यहाँ थ्री एक्स हो जाएगा वहां फोर चल जाएगा, बीच का साइन चेंज होगा प्लस फोर वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू। एक और सवाल लेते हैं सर, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या करोगे सर, इसको चेंज करोगे, थ्री इधर आ जाएगा और वाई उधर चला जाएगा, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक, तो आइए बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन के फैमिली को हम लोगों ने अब तक तो समझ लिया है। क्या कहता है, ए स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू 5x माइनस वाई इज इक्वल टू वन, द एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय द लाइन एल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन एल जो है ना सर, ये लाइन एल जो है, जो परपेंडिकुलर है सर, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रेंगल बना रहा है जिसका एरिया कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। तो कहता है इक्वेशन ऑफ एल निकाल लो, ये परपेंडिकुलर किसके है, इसके परपेंडिकुलर है। तो चलिए लेट फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएगा, तो 5 यहां चलाएगा 1 यहां चलाएगा, तो x और माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में, प्लस 5y इज इक्वल टू कितना सर, 1 सॉरी माइनस, ये 1 इधर चला आता माइनस 1 हो जाता, तो प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। कोई प्रॉब्लम आ जाओ मेरे, x प्लस 5y प्लस लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे सर, 5y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। आइए सर, अब क्या करेंगे, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस हो गया ये। अब सर ये लाइन जो है इसके साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, इसके साथ क्या बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बना रहा है जिस ट्रायंगल का एरिया कितना, 5 यूनिट। आइए इसको एक काम करो सर, पर इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लो, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा x बटे माइनस लेमडा प्लस y बटे माइनस लेमडा बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए बच्चे, इसका मतलब x इंटरसेप्ट इस लाइन का कितना हो गया, माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा कोमा 0, और y इंटरसेप्ट कितना हो गया जरा बोलो, तो माइनस लेमडा कोमा लेमडा बटे 5 सॉरी 0 कोमा माइनस लेमडा बटे 5। चलिए सर, ये तो आ गया सर इसका इंटरसेप्ट, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना सर, माइनस लेमडा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, माइनस लेमडा बटे 5। तो सर ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस लेमडा, ये कितना, माइनस लेमडा बटे 5 हो गया। अब एक चीज देखो मेरे भाई, इस ट्रेंगल का एरिया 1 बटे 2 गुना आधार गुना सिरसलम
एरिया ऑफ ट्रायंगल, वन बाय टू इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है माइनस लेमडा है, हाइट कितना है माइनस लेमडा बाय फाइव है, माइनस लेमडा बाय फाइव, ये बराबर कितना जरा बोलो तो फाइव है सर, फाइव, अब माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया सर, लेमडा स्क्वायर बटे पांच दूनी दस, दस पचे पचास ऊपर चल जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना आ गया प्लस माइनस फाइव रूट टू, ये लेमडा का वैल्यू आ गया, लेमडा स्क्वायर पचास है तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो मेरे भाई, प्लस माइनस फाइव रूट टू। अब बताओ जब लेमडा का मान आ गया सर, लेमडा का मान आ गया तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो, एक्स प्लस फाइव वाई माइनस फाइव रूट टू बराबर जीरो, ये दोनों हो जाएगा इक्वेशन से। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए कोमा बी। तो सबसे पहले तो फैमिली का लाइन लिख, फैमिली का इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, ये आपका लाइन है, तो अभी हमने परपेंडिकुलर इसका लिखा था बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। अब जब सर फैमिली का आ गया इक्वेशन और ये लाइन कहां से पास करता है ए कोमा बी से, देखेंगे सिंस इट पासेस थ्रू उस लाइन का निकालना है इक्वेशन जो ए कोमा बी से पास कर रही है, किससे पास कर रही है ए कोमा बी से। अब चलो चलो मेरे भाई, ए कोमा बी से जब पास करती है तो सर ए कोमा बी इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना जी, एक्स के जगह पे ए रखो वाई के जगह पे बी रखो तो बी स्क्वायर माइनस क्या ए स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू कितना जीरो, जरा बोलो लेमडा का मान कितना आ गया, उसको उधर भेजो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसलिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा जरा बोलो तो सर, लेमडा बराबर कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यहां रख दो बस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना जीरो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चे आज हमने फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को डिस्कस किया और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो कोई लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और उसके फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का हमको निकालना है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, बस यही है। ठीक, तो वो सारी परपेंडिकुलर लाइंस का लेमडा का वैल्यू चेंज करते जाइए, हर एक लाइन का इक्वेशन आता जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेंगे, आगे हम लोग चलेंगे इक्वेशन ऑफ सॉरी फैमिली ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से जो है सर सारी लाइन क्रॉस कर रही है, तो कंकरेंट लाइन का हम लोगों को निकालना है फैमिली। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उस पर ढेर सारा सवाल भी करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग, फिलहाल हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, थैंक यू।